वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, लोग भी कहेंगे अरे वाह भाई, क्या नसीब है आपकी। जी हाँ दोस्तों, काश ऐसी किस्मत सबकी होती प्रभु, शेर की तरह जियोगे आप। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, सीना 56 इंच चौड़ा करके पूरे गली मोहल्ले में घूमोगे आप। जी हाँ दोस्तों, एक साथ दो दो बड़ी खुशखबरी आने वाली है आपके आंगन में। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। दोस्तों, एक कहावत है, नसीब जिनका साथ देता है बड़े बड़ों का मात देता है। गरीब के घर भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है और अमीर के घर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, नसीब जिनका साथ देता है उनको माटी भी अगर वो छुएगा तो सोना बन जाएगा। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, ये सब नसीबों का ही खेल है। नसीब जिनका साथ देता है वो अगर माटी भी छुएगा तो सोना बन जाएगा। दोस्तों, आज की यह पूरी वीडियो बड़े ही खास है और इसे ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया है। हमारी आपसे निवेदन है कि आज की यह पूरी वीडियो बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, आपसे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां ना हो जाए। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, आपको वह सभी बातें बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परंतु उससे पहले भगवान श्री विष्णु महाराज जी के जो भी सच्चे भक्त हैं, एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर दें और उनके लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री हरि विष्णु महाराज। भगवान विष्णु महाराज जी की कृपा ऐसी है दोस्तों, आपके ऊपर उनकी नज़र एक बार पड़ जाएगी तो आपके घर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं एक बहुत ही बड़े सुंदर अनमोल वचन से। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाओगे, लोग उसमें कुछ ना कुछ बुराई, कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ कामियां ढूंढ ही लेंगे। क्योंकि दोस्तों, लोगों का काम ही है कहना और निंदा करना, लेकिन कुछ भी हो जाए खुद को डिमोटिवेट नहीं होने देना है, खुद को टूटने नहीं देना है। क्योंकि दोस्तों, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सब लोग तारीफ करते हैं। आई होप इन बातों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, तो उसके लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और उनके लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख दें जिस भी भगवान से आप सच्चा प्रेम करती हैं, जो भी भगवान आपके दिल में सदा वास करता है, उनका नाम जरूर लिखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं आपका राशिफल। दोस्तों, सितारे कहते हैं यह समय अपने लक्ष्य के लिए गंभीरता से कोशिश करने का है, आपको बहुत ही जल्द उसका फल भी मिलेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय अभी आप कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे, उनको कार्यान्वित करने का समय आ गया है। आपको अपना सारा ध्यान अब इसी पर लगाना होगा। हालांकि आप इसके कारण बहुत जो है व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको इसका अच्छा फल ही जल्द ही मिलेगा और उनकी सफलता की इच्छा काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए दोस्तों, जो इंसान पूरे लगन से मेहनत करता है और समय के साथ कार्य करता है, उनको कार्यों में सफलता जरूर मिलता है और वो अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ता है। बस आपको थोड़ा अपने कार्य करने के रूटीन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, फिर देखिए सफलता कैसे आपकी कदम चूमती है। देखिए दोस्तों, आज आप खूब शारीरिक मेहनत वाले काम करें, आपको बहुत ही जल्द ऐसा काम करने के लिए बुलाया भी जाएगा जिससे आप में जो है इतने सारे स्टेमिना की आवश्यकता रहेगी और आप कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि आप में इतने सारे स्टेमिना हो सकता है। आज थोड़ा कम ही खाना खाएं, आपके लिए थोड़ा दिक्कत और समस्याएं के साथ साथ दिक्कतें भी हो सकती हैं। आपको तनाव को दूर करने के लिए सांस से जुड़े व्यायाम करने चाहिए और सुबह सुबह योगा मेडिटेशन करना
आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, हो सकता है कि आपके पार्टनर का दिमाग कुछ बदलाव के बारे में सोच रहा हो, उनकी रुचि अब जीवन को साहसिक तरीके से जीने की हो गई है, लगती है कि और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें कई तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। आपको भी उनके खानों की आदतों या निवास पर बदलना पड़ सकता है। अगर आपका पार्टनर कुछ आजमाना चाहता है तो आप उस पर हंसे नहीं, उनका मनोबल बढ़ाएं और उनका साथ दें। फिर देखिए आपके लव लाइफ में कितना चेंजिंग होता है और जीने का नज़रिया ही आपका पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय अपने अपने व्यक्तिगत कामों में व्यस्त होने के कारण आप अपने पेशेवर कार्यों को कुछ समय के लिए अधर में लटका दिया था, लेकिन लोगों को कार्यस्थल पर उनकी बुरी तरह से आवश्यकता है। हालांकि अगर आप ईमेल पर संदेश या फोन पर जवाब न दे पाए तो इससे कोई बुराई नहीं है, व्यय बढ़ेंगे, लेकिन आपको बहुत ही जल्द अप्रत्याशित धन प्राप्त होने के आसार बने हुए हैं, जिससे दोस्तों अपनी स्थिति को भी काफ़ी नियंत्रण में कर लेंगे और आप जो है अपने दैनिक दिनचर्या में काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर पाएंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय कार्यालय का प्रेम आपको एक चुंबक की तरह आकर्षित कर रहा है, लेकिन कार्यालय काम करने के लिए और अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए नहीं है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आपको सहकर्मी इस बात की सराहना नहीं करेंगे कि यह एक मोह हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अपने काम पर अधिक से अधिक ध्यान लगाइए और अगर ये न हो तो यह निश्चित रूप से होगा, अन्यथा यह बुलबुले की तरह फूट जाएगा, और निष्पक्षता पूर्वक इसे लेने का प्रयास करें तो अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज आप जिद्दीपन के प्रति अपना स्वाभाविक झुकाव महसूस करेंगे, लेकिन दोस्तों जब आपको यह अनुभव होगा कि ऐसा करना आपके हित में नहीं है तो आप पछतावा भी महसूस करेंगे। इसलिए दोस्तों अभी से ही सावधान रहें, सतर्क रहें तो आपके लिए बेटर रहेगा। अच्छे से स्थिति को समझें, आकस्मिक भावनाओं के बहाव में बहने के स्थान पर स्पष्ट सोच रखें और उससे काम लें। अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे तो सावधान जल्द ही आपको समाधान मिलेगा और आपको जल्द ही खुशी भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान और दिमाग लगाना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, आपको किसी समय से सहकर्मियों की मदद मिलती आ रही थी, परंतु अब ये समय जो है मदद लौटाने का समय है। आपको अपने किसी सहकर्मी की मदद कर सकते हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति आपके कार्यालय में और दृढ़ता से मजबूत होगी, आपको लोकप्रियता बढ़ेगी। हो सकता है कि आज आपको देर रात तक काम करना पड़े, पर यह आपके लिए सहायक ही सिद्ध होगा और इसमें आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और दोस्तों अपने सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट माता रानी के लिए जरूर लिखिएगा। दोस्तों अभी के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।